शहर में नगर निगम चुनाव हो रहा है, इसमें दिग्गज की पत्नियां, दिग्गजों की पत्नियां मैदान में उतरी हुई हैं, काफ़ी सारे दिग्गज नेता हैं, तो उसको कैसे फेस करेंगे आप? बहुत ही आराम से, गंदे नाली में घुस के उन्होंने काम किया है, ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव का, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़े बड़े नेता नहीं किए, जो यहाँ के विधायक, सांसद, MLC, मंत्री जी नहीं किए हैं, वो समरेंद्र कुणाल बिना पद के किए हैं। क्या आपने कोरोना काल में कभी 4500 वार्ड का भ्रमण किया? मैंने भ्रमण तो नहीं किया, लेकिन नमस्कार, मैं आमिर, KTN न्यूज़ के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि जैसे पता है KTN न्यूज़ के द्वारा खास बात कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम प्रत्याशियों से मिलने जुलने का कार्यक्रम जारी है, और इस बीच जो प्रत्याशी हैं, जो उन चुनाव में उठे हैं, किन मुद्दों को लेकर क्या प्राथमिकता, इन सभी बातों को हम आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ कटिहार के समाज सेवी समरेंद्र कुणाल जी हैं, उनकी पत्नी रश्मि कुणाल जी हैं, जो चुनावी मैदान में हैं, मेयर के प्रत्याशी हैं। हम उनसे सीधा बात करेंगे और खास बात ही पहुंचाएंगे, आप तक तो पहुंचाने का काम करेंगे कि आखिर वे चुनावी मैदान में उतरी हैं, क्या कुछ मकसद है, क्यों बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी पत्नियां इस बार चुनावी मैदान में, तो लोग उन्हीं को क्यों चुने। हम बहुत सारी बातों को जानेंगे, सिर्फ उन्हीं से जानेंगे सीधे, खास बात। सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो KTN न्यूज़ को वक्त देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया मैम। आप हमें बताएं कटिहार का मुख्य समस्या क्या क्या है? कटिहार में बहुत सारी समस्या है जिसको हम लोग को ठीक करना है, जैसे जल जमाव की समस्या है और दूषित जल। कटिहार में कटिहार की आधी आबादी, कहे तो आधी से ज़्यादा आबादी दूषित जल में ही, मतलब दूषित जल का प्रकोप उन पे पड़ता है, तो दूषित जल को सबसे पहले हम लोग को उसका निवारण करना है। और दूसरा है कि शौचालय की समस्या, जगह जगह शौचालय की कमी है, जिसका निर्माण हम लोगों को करना है, और निर्माण ही नहीं करना है, उसका मतलब वो सब उसकी सफाई और स्वच्छता की भी पूरी ये रखी जाएगी, ध्यान रखी जाएगी। और तीसरा है कि यहाँ जाम की समस्या, यहाँ पे एक पार्किंग की कमी के वजह से यहाँ जाम की समस्या लगी रहती है। इसके कारण यह है कहीं ना कहीं कि कहीं इसका अस्थाई जगह नहीं है पार्किंग की वजह से, कोई ऐसा जगह चिन्हित है, कोई आपके नज़र में है कि हाँ ये नगर निगम का जमीन है या यहाँ पर हो जाना चाहिए पार्किंग, इस तरह से कोई है, कुछ सोची हैं आप? जी, नगर निगम का बहुत सारा ऐसा जमीन है जहाँ पे हम लोग पार्किंग बना सकते हैं, और बिहार सरकार की भी कुछ ऐसी जमीन है जहाँ पे हम लोग पार्किंग मतलब निर्माण कर सकते हैं उसका, तो आगे जाके इसका डिसीजन लिया जाएगा कि किस जगह पे उसको सही ढंग से बनाना है। शिक्षा की बात कर लें अगर हम, तो शिक्षा के प्रति किस तरह नगरवासियों को, जितने भी सरकारी स्कूल वगैरह, कहीं ना कहीं गुणवत्ता शिक्षक लोग जो पढ़ाई लिखा कहीं ना कहीं नहीं कर पाते जिस ढंग से होनी चाहिए, वहीं कहीं ना कहीं कमियां नजर आ जाती है। इस बीच कितने भी शिक्षक भी सवालों को घेरे में नजर आ जाते हैं कभी कभी, तो इसके दिशा में क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूल में हम जो भी हैं, जो भी टीचर हैं, वो अच्छे हिस्से गए हैं, जो अच्छे ग्रेजुएट हैं, डिग्री लेके गए हैं, तो हाँ जी, एजुकेटेड टीचर लोग हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि देखभाल के अभाव में, कहे तो वहाँ पे जांच वाँच नहीं होती है, जिसके वजह से लापरवाही होती है टीचर में, बच्चों में या गार्जियन में बोलिए, तो नगर निगम की पूरी निगरानी रहेगी सरकारी स्कूल पे। जब निगरानी होगी तो सबके भीतर डर पैदा होगा, टीचर में भी, बच्चों में भी, तो सब सही से होगा और शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। और अगर स्कूल, सरकारी स्कूल अगर अच्छा होगा तो प्राइवेट स्कूल की में भी, मतलब प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे बहुत हद तक सरकारी स्कूल में आ सकते हैं। जी, अब हमें बताएं, लगभग नगर निगम बने काफ़ी वर्ष हो गए हैं, लेकिन इसका अस्थायी समाधान अभी तक जो जल जमाव को लेकर नहीं हो पाया। कटिहार के हृदय स्थल कही जाने वाला शहीद चौक हल्की सी बारिश में पूरा तरह से जलमग्न हो जाता है, मानो वहाँ नदी का जैसा माहौल बन जाता है, तो इस बीच किस तरह से उसे निपटारा करेंगे अगर मौका मिली तो? जी, हम लोग जल जमाव के लिए बहुत ही सही ढंग से प्लानिंग करके चल रहे हैं। जैसे जल जमाव जब हुआ तो उसका हम लोग एक वाटर ट्रीटमेंट के साथ एक सम्प हाउस लगाएंगे, जिससे कि पानी निकासी होगी और वो पानी रोड से नीचे जाके एक जगह जाके इकट्ठा हो जाएगी, तो सम्प हाउस के द्वारा हम लोग पानी की जमाव से निजात पा सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखे तो आज भी
कटिहार के नगर निगम क्षेत्र में कई जगह ऐसे हैं जहाँ कचरे का अंबार लगा रहता है, जिससे लोगों को बीमारी से भी ग्रसित होना पड़ता है। तो क्या कुछ प्लानिंग है शहर को स्वच्छ करने में, किस तरह से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी आप? जी, हर जगह मार्केट में देखिए तो जहाँ भी कचरे का डब्बा है तो कचरा का ढेर डब्बा भर के नीचे भी गिरा होता है। तो इसके लिए हम रातों रात उसकी सफाई करवाएंगे, कचरा हटवा के पूरा जो भी है साफ सफाई झाड़ू ये सब रात में ही करवाएंगे, कि सुबह में जो भी मार्केट हाट जाने वाले लोग हैं उनको सुबह में परेशानी ना हो। तो ये काम हम लोग रातों रात ही करवाएंगे, रोज रोज रात में ये काम होगा। जनता अगर मौका देती है अगर, तो सबसे पहले प्राथमिकताएं क्या होगी आपकी? जनता अगर मौका देती है तो बहुत सारी ये प्राथमिकताएं है, जैसे सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पार्किंग का निर्माण कराऊंगी, क्योंकि जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ, जिससे हर चीज़ में कभी इसको बच्चे स्कूल में लेट हो जाते हैं, जिसको अगर इमरजेंसी में कहीं जाना है तो जाम की वजह से वो सही टाइम पर पहुँच नहीं पाता है। तो सबसे पहले तो मैं पार्किंग की व्यवस्था करवाऊंगी। अच्छा, एक बताएं, शहर में नगर निगम चुनाव हो रहा है, इसमें दिग्गजों की पत्नियां मैदान में उतरी हुई हैं, काफ़ी सारे दिग्गज नेता हैं, तो उसको कैसे फेस करेंगे आप? बहुत ही आराम से। बताएं कैसे? क्योंकि समरेंद्र कुणाल एक ऐसे शख्स हैं जो 24 घंटा में कोई भी एक आम आदमी हो, जिसको वो पहचान रहे हैं या नहीं पहचान रहे हैं, अगर 24 घंटा में अगर 2 बजे रात में भी अगर फोन आता है तो वो समरेंद्र कुणाल जी का फोन उठता है, वो रिसीव करते हैं, और रिसीव ही नहीं करते हैं, जब उसको जरूरत होती है तो वो निकल के घर से बाहर भी निकलते हैं, जाते भी हैं, और कचरे गंदे नाली में घुस के उन्होंने काम किया है, ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव का, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़े बड़े नेता नहीं किए, जो यहाँ के विधायक सांसद MLC मंत्री जी नहीं किए हैं, वो समरेंद्र कुणाल बिना पद के किए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि दिग्गज नाम से दिग्गज हो गए तो मैं इलेक्शन जीत जाऊंगी, ये चीज किसी के बीच अब नहीं होगा। अब पब्लिक भी ये चीज देख रही है, जान रही है, समझ रही है। जनता आपको क्यों चुने, कोई कोई खास वजह? क्यों चुने तो खास वजह तो बहुत सारी है। जैसे कुणाल जी मेरे हस्बैंड, वो गरीब से लेके मध्यम वर्ग कहिए या उच्च श्रेणी के भी इसके बारे में बोलिए, तो वो सबके मदद में वो सबसे पहले खड़े रहे हैं। आज किसी न किसी तरह का उनमें गरीबों में भी ये आस है कि किसी नेता के पास नहीं जाके मैं कुणाल जी के पास जाऊंगा तो मेरा काम होगा। क्या आपने कोरोना काल में कभी 4500 वार्ड का भ्रमण किया? मैंने भ्रमण तो नहीं किया, लेकिन मैंने पूरा सहयोग किया है, मेरे हस्बैंड के काम में मैंने पूरा सहयोग किया, और एक मेरे हस्बैंड ही एक ऐसे नेता है जो पूरे कोरोना काल में ये बाहर ही रहे, जब सारे नेता जब अपना खिड़की वेंटिलेटर पर्दा लगा के यहाँ तक कि फोन ऑफ करके अपने घर में सो रहे थे, तब मेरे पति सड़क पे होते थे और सबकी मदद में आगे थे। तो उनका कहीं ना कहीं से क्या, हर जगह से मैं उनके सहभागी थी। मैं घर में अनाज का पैकेट बनाती थी और ये बाहर जाके उसको वितरण करते थे। लोगों को जागरूक किस प्रकार किया था आपने, किस चीज के लिए? कोरोना काल में ये पहले से ही ये मैसेज कर देते थे फोन पे कि जो भी जहाँ गरीब है, जो निचले तबके के जो गरीब है, जिनको उस समय तो रमजान का महीना था, उस समय बहुत को ऐसा था कि सबका रोजगार बंद हो गया था, बंद क्या कहिए, ठप हो गया था, उनको तो ऐसा भी हो गया था, कई घर में तो ऐसा हो गया था कि चूल्हा जलाने का भी पैसा नहीं था। तो उस समय ये निकल के हमने अपने घर से खर्च किया, उस समय हमें लोभ नहीं था किसी चीज का कि मुझे ये रिटर्न आएगा। तो अगर लोभ का ये बात मैं खोल के बोल दूं, अगर लोभ की बात है, लोग बोलते हैं कि नेता है करेगा ही, तो और सारे तो नेता है ना, सांसद भी है, विधायक भी है, तो उन लोगों को भी तो लोभ है गद्दी की, सीट की, तो उनको आगे आना चाहिए था, लेकिन समरेंद्र कुणाल जी को आज तक कोई पद नहीं मिला, बावजूद उसके ये उन्होंने ये सारा काम किया। तो ये मतलब ये चीज पूरा बताता है कि हम लोग हर तरह से जनता के साथ हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे, शहरवासियों से अपील क्या करना चाहेंगे आप? शहरवासियों से यही अपील करूंगी, हाथ जोड़ के अपील करूंगी कि अब आप, मुझे पूरा भरोसा है, भरोसा दिला भी रहे हैं, शहरवासी भी मुझे भरोसा दिला रहे हैं, और मैं जानती भी हूँ कि इस बार वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, जैसे अभी साथ हैं वो अंत तक 20 तारीख तक मेरे साथ ही रहेंगे। पूरा परिचय दीजिए जी। मैं रश्मि कुणाल, मेयर प्रत्याशी। थैंक यू।